इंडियन प्रीमियर लीग मैच नंबर 30, गुजरात टाइटंस वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स, मैच का 18वां ओवर। हार्दिक पांड्या 41 बॉल पर 40 रन, डेविड मिलर 5 बॉल पर 2 रन। 18वें ओवर की पहली बॉल, रवि बिश्नोई बॉलिंग के लिए तैयार थे और उनके सामने स्ट्राइक पर हार्दिक पांड्या थे। बिश्नोई ने पहली गेंद डाली और इस पर टाइटंस को केवल 1 रन मिला। 18वें ओवर की दूसरी बॉल, पांड्या ने बिश्नोई की पहली बॉल पर 1 रन लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब उनकी इस गेंद पर स्ट्राइक पर डेविड मिलर थे। बिश्नोई ने इस ओवर की दूसरी बॉल डाली, उनकी शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी को मिलर ने मिड विकेट की तरफ खेला और 1 रन आसानी से पूरा कर लिया। 18वें ओवर की तीसरी बॉल, स्ट्राइक पर एक बार फिर से टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या तैयार थे। बिश्नोई ने गेंद डाली और पांड्या ने इसे डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से पुल कर दिया और गेंद सीधे 4 रन के लिए सीमा रेखा से बाहर जाती हुई। 18वें ओवर की चौथी बॉल, पांड्या एक बार फिर से तैयार थे। बिश्नोई ने गेंद फेंकी, पांड्या ने पिछली बार एक अच्छी बॉल पर चौका लगाया था जिससे बिश्नोई प्रेशर में आए और शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली और पांड्या ने इसे एक बार फिर से मिड विकेट के ऊपर से सीधे 6 रन के लिए उठा दिया। 18वें ओवर की पांचवी बॉल, लगातार पिछली 2 बॉल्स पर 1 चौका और 1 छक्का लगने से बिश्नोई पर प्रेशर काफी बढ़ गया था। बिश्नोई ने एक बार फिर गलती की और पांड्या ने कोई गलती ना करते हुए इस शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी को लॉन्ग ऑन के ऊपर से बेहतरीन कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए सीधे 6 रन के लिए बाहर भेज दिया। 18वें ओवर की आखिरी बॉल, इस बार बिश्नोई ने बढ़िया लेंथ पर फुलर लेंथ डिलीवरी डाली और पांड्या को इस बॉल पर कोई रूम नहीं मिला और उन्होंने इसे लॉन्ग ऑन की तरफ खेलते हुए 1 और रन पूरा कर लिया। बिश्नोई का ये ओवर लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए काफ़ी महंगा साबित हुआ और गुजरात टाइटंस ने इस ओवर में कुल 20 रन बटोरे। दोस्तों, IPL पर हमारी ये प्रेजेंटेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। IPL से जुड़ी इसी तरह की खास अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की एक और दिलचस्प प्रेजेंटेशन के साथ आपसे जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।